हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो यहाँ मैं अपने कन्हैया जी के लिए ड्रेस फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। एक तो ये बनाने में बहुत आसान है, आप आराम से बना लोगे। तो यहाँ मैं ब्लैक की 23 चेन बनाऊँगी और येलो की 23 चेन बनाऊँगी, उसके बाद डिजाइन डालूँगी तो आपको दिखाती हूँ। तो अब हमें दूसरा कलर मिलाना है, तो मैं येलो कलर मिला रही हूँ और इस येलो कलर से भी हमें 23 चेन बनानी है। जितनी चेन हमने ब्लैक से बनाई है उतनी ही चेन हमें येलो से बनानी है, तो मैं ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर ली है, 23 ब्लैक की और 23 येलो की चेन डाली है। अब हम यहाँ से डिजाइन डालेंगे। तो यहाँ हम 4 चेन बनाएंगे और जहाँ हमने पकड़ रखा है पहले 2 राउंड लगाएंगे। 2 राउंड लगा के फिर जहाँ हमने पकड़ रखा है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, राउंड नहीं लगाए, अब 2 राउंड लगाऊंगी और जहाँ हमने पकड़ रखा है वहाँ डाल के पहले 1 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। तो हम तीन तीन का 12 फंदों में हमें डिजाइन डालनी है, तो हम तीन तीन का ग्रुप लेके चलेंगे। तो पहले हम 2 राउंड लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदों से निकालेंगे। इस तरह ये 3 चेन हो गई। अब नेक्स्ट चेन में हमें 2 राउंड लगाने हैं और नेक्स्ट चेन में डालना है, पहले 2 बार निकालना है, फिर 2 फंदों से, फिर 2 फंदों से। इस तरह हमें 2 राउंड लगाने हैं, नेक्स्ट चेन में डालना है, पहले 2 फंदों से निकालना है, फिर 2 फंदों से निकालना है, फिर 2 फंदों से निकालना है। इस तरह ये अब इधर की साइड घटते जाएंगे। तो तीन ये तीसरा है, पहले 2 फंदों से निकालना है, फिर 2 फंदों से निकालना है, फिर 2 फंदों से निकालना है। तो ये 6 हो गए। 6 फंदों में हमने डिजाइन डाल दी। अब हम 6 फंदों में और डालेंगे। अब तो ये 6 हमारी हो गई चैन। अब हमें 3 चैन अलग बनानी है डिजाइन से, मतलब एक एक फंदा हमें इधर घटाते जाना है। तो अब हमें इसको एक बार लेना है, इसमें एक बार इस तरह डाल के पहले 1 चैन से, फिर 2 चैन से, फिर 2 चैन से इस तरह लेना है। अब 3 चैन हमें इसी तरह बनानी है, एक बार निकालना है, फिर 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से, नेक्स्ट चैन, पहले 1 फंदे से, फिर 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से। तो हमारी इस तरह 9 चैन हो गई। अब 3 चैन और बनानी है हमें। तो अब हमें एक बार घुमाना है, फिर 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से, इस तरह 3 चैन में हमें इसी तरह बनानी है। 2 बार निकालना है, फिर 2 बार निकालना है, 2 2 फंदे से निकालना है, 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से। ये 3 चैन हमें इस तरह लेनी है। तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, ये हमारी यहाँ डिजाइन कंप्लीट हो गई। ये इस तरह यहाँ घटते आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्लैक ऊन डालनी है। तो इस तरह हम येलो वाले में से निकालेंगे इस तरह। अब हमें इधर 12 चैन छोड़ के, जहाँ तक 12 चैन आती हैं इधर से हमें 12 चैन गिन के बाद बाकी में जो जिस इस तरह ये सिंगल क्रोशिया बुना है इतना हम बुन लेते हैं। फिर जहाँ से डिजाइन स्टार्ट होगी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनना है इस तरह, ये एक साथ निकाल देने हैं सारे, जिस तरह हमने इधर बनाया है ये बीच वाला। तो बीच में हमें पतला रखना है और पास हमें फंदे बढ़ाने हैं, चौड़ा रखना है। तो ये इस तरह एक
मैं यहाँ 12 फंदा इधर छोड़ के इतना बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ये बुन लिया है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें डिजाइन डालनी है। ये 12 चैन है मेरी, तो 12 चैन में हमें तीन तीन फंदों में डिजाइन डालनी है। तो कैसे डालेंगे, इधर से, तो आप समझ गए होंगे। अब हमें इधर से डालना है, तो एक बार हम घुमाएंगे और नेक्स्ट चैन में इस तरह निकाल के दो दो फंदे में हमें एक बार दो फंदे से निकाले और ये दूसरी बार दो फंदे से। तो इसी तरह हमें तीन लाइन, तीन चैन बनानी है। ये दो फंदे से, ये दो फंदे से, ये तीन फंदे हो गए। अब हमें नौ फंदों में और डिजाइन डालनी है। तो अब हम इस तरह एक बार घुमाएंगे, नेक्स्ट चैन में डालेंगे। तो इस बार हमें कैसे डालना है, एक फंदे से निकालना है, फिर दो फंदे से निकालना है, फिर दो फंदे से निकालना है। तो ये इस तरह बढ़ता जाएगा। इधर दो फंदों में और डाल लेती हूँ मैं। पहले एक चैन से निकालना है, फिर दो चैन से निकालना है, फिर दो चैन से निकालना है। तो अभी हमारे छह फंदे बाकी हैं, तो अब हम इनमें भी डिजाइन डाल लेते हैं। तो हमें ये दो बार घुमाना है और नेक्स्ट चैन में डालना है। तो अब के हमें दो दो फंदों से निकालना है, पहले दो फंदों से, फिर दो फंदों से, फिर दो फंदों से, फिर हमें दो बार लेना है, नेक्स्ट चैन में डालना है, फिर दो फंदों से, दो फंदों से, दो फंदों से, इस तरह दो दो फंदों से निकालना है, फिर दो बार लेना है, दो फंदों से, फिर दो फंदों से, फिर दो फंदों से। तो ये तीन फंदे हो गए। अब तीन फंदे में और हमें तीन चैन में और डिजाइन डालनी है। तो अब हम कैसे डालेंगे, दो बार लेंगे, नेक्स्ट चैन से निकालेंगे और इस तरह हम पहले एक फंदे से, फिर दो फंदों से, फिर दो फंदों से, फिर दो फंदों से, पहले एक से, फिर दो से, फिर दो से, फिर दो से, इस तरह हमें ये कंप्लीट कर लेना है। अब ऐसे ही हमें इधर से बुनना है। जैसे हमने इधर से बुना है वैसे ही हमें ये जो ये कंप्लीट की है हमने लाइन, वैसे ही सारी लाइन कंप्लीट करनी है। एक, दो, तीन, चार, ये दो बार घुमाना है, नेक्स्ट चेन में डालना है, पहले एक बार निकालना है, फिर दो बार निकालना है, फिर दो बार निकालना है, फिर दो फंदों से, दो दो फंदों से निकालना है। तो अगर आपको समझ ना आए तो रिवर्स करके आप दोबारा से देख सकते हो, और यही प्रोसेस आगे होगा। जिस तरह घटाने बढ़ाने हैं यही प्रोसेस चलेगा आगे तक। तो मैं ये पूरी कंप्लीट करती हूँ ड्रेस, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमें नीचे की साइड ये डिजाइन बनानी है। तो उसके लिए हमें चैन में क्रोशिया डालनी है और इस तरह फंदा उठा के हमें चार बार डबल क्रोशिया करना है। एक ही चैन से निकालना है चार बार। तो इस तरह हम चार बार निकाल लेंगे और आगे की चैन में हम सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। ये जो चैन है इसमें हम जोड़ देंगे इसको। तो ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट चैन में चार बार, एक ही चैन से चार बार
डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरह हमें ये बनाते जाना है। तो ये मैंने दो पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें सिलाई करनी है, तो इसको इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ये डोरी के लिए मैंने इस तरह दो दो ये लंबे धागे ले लिए हैं। इस तरह हम चोटी की तरह इसको गूंथ लेंगे। तो ये मैंने डोरी बना ली है और मैंने यहाँ पे गांठ लगा ली है। मैं इस डोरी को इस तरह इसको खींच के और सुई धागे से इसको मैं यहाँ टक कर लूँगी। तो मैं ये सुई धागे से लगा लेती हूँ। इस तरह हम यहाँ से इसको लगाएंगे। तो ये मैंने तनी लगा ली है इसमें। तो ये कन्हैया जी के हमारे इस तरह पीछे इस तरह ये बन जाएगी डोरी। तो ये इस तरह पहनाया जाएगा। और यहाँ मैं अभी बीच में एक फूल लगा के भी लगाऊंगी। तो अभी मैं एक फूल और बना लेती हूँ, वो आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। दो तीन तीन चेन बनानी है और इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। अब हमें एक दो तीन चार पाँच और छः छह चैन बनानी है और उसी चैन में हमें इसी तरह हमें ये फूल कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये तैयार हो गया है। ये मैंने फूल लगा के मोती लगा दिया है और ये पीछे इस तरह मैंने बांध दिया है और ये पीछे कन्हैया जी के इसी तरह आएगा। तो जब मैं पहनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। तो ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।